एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपराइजिंग एकेडमी में। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 74 है। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों के सामने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 6.5 जो कि एनसीईआरटी से था। इस लेक्चर में हम लोग चार क्वेश्चन करने वाले हैं मधुर गुप्ता से। चारों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, मैंने उनको छाट के एक तरफ लिख लिया है। अब बारी बारी से आपके सामने एक एक क्वेश्चन लाऊंगा, है ना। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, करते हैं इस क्वेश्चन को। दिए चित्र में त्रिभुज एबीसी में एक अपने पास ट्राइंगल है, कोण भी समकोण है। ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ओके, ये ऐसे बना हुआ है तो इसका मतलब है 90 डिग्री, है ना। ओके, माध्यिकाओं एडी और सीई की लंबाइयां क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर है। एडी माध्यिका की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ईसी माध्यिका की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन में हमें एसी की लंबाई पूछ रहा है। एसी ये बुझाए, इसकी लंबाई क्या है पता करनी है। चलो, अगर आप लोग ध्यान से इस फिगर को देखें तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज, ई बी सी दूसरा समकोण त्रिभुज और ए बी डी तीसरा समकोण त्रिभुज। आपके पास तीन तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं और तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों में हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन का हल निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, पहले हम सबसे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो इसमें कर्ण क्या है, ए सी है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब ए बी है और प्लस आधार अपना बी सी है, है ना। ये अपने पास एक समीकरण आ गया। ये कैसे आया, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे लेते हैं। ओके, अब हम दूसरा कंसीडर करते हैं ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में कर्ण क्या है, ए डी लंब ए बी है और आधार बी डी है। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, है ना। यहाँ पे भी क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, इसको समीकरण 2 नाम नहीं देते हम लोग, बी डी को बी सी के टर्म्स में लिखेंगे क्योंकि ये जो ए डी रेखा है ये बी सी की समद्विभाजक है ना, माध्यिका है। तो मतलब अगर हम लोग बी सी का आधा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, बी डी, है ना। दैट मीन्स बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2। तो हम बी डी की जगह बी सी अपॉन 2 रख सकते हैं। पिछले क्वेश्चंस में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा है तो इसमें कोई नई बात नहीं है, चूँकि बी डी बराबर बी सी बटे 2। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। इसको हम लोग नाम देते रहे हैं समीकरण नंबर 2। बहुत ही सिमेट्रिक प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस है, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरह हम लोगों को तीसरा ट्राइंगल ई बी सी कंसिडर करना है, समकोण त्रिभुज ई बी सी में। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, कर्ण क्या रहेगी, ई सी रहेगी, है ना, 90 अंश के कोण के सामने वाली भुजा। ई सी का स्क्वायर बराबर लंब अपना बी सी रहेगा, है ना, बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ई बी। ओके, ई बी का स्क्वायर, यहाँ पे भी कौन सी थ्योरम अप्लाई करी हमने, पाइथागोरस थ्योरम। चलो, बी सी को ऐसे ही रखना है, ई बी को वापस से चेंज करना है ए बी में। देखो ई बी जो है वो ए बी का आधा है, है ना। दैट मीन्स ई बी इज इक्वल टू ए बी हाफ, ई बी इज इक्वल टू ए बी बटे 2। ये हमने ऐसे लिखा, ये चीज़ आपको समझ आई ना। आगे बी सी स्क्वायर प्लस ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर बटे 4 आ जाएगा, और ई सी स्क्वायर। समीकरण नंबर नाम दे दो इसको 3। समीकरण 1 यहाँ पे है, समीकरण 3 यहाँ पे है। हम लोग इन दोनों समीकरणों को जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं क्या मिलता है अपने को। समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ते हैं। ओके, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, देखो समीकरण 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ध्यान से देखते जाओ। ए डी स्क्वायर एल एच एस में है, ई सी स्क्वायर एल एच एस में है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, समथिंग लाइक दिस। ओके, आर एच एस में ए बी स्क्वायर है,
मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस लिख देता हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई फोर, बी सी स्क्वायर बाई फोर, इसका आरएचएस क्या है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई फोर। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ए बी स्क्वायर यहाँ पे एक है, ए बी स्क्वायर यहाँ पे एक है, लेकिन इसके अपॉन में फोर है। सिमिलरली बी सी स्क्वायर यहाँ पे एक है, बी सी स्क्वायर यहाँ पे एक है, इसके अपॉन में फोर है। तो हम लोग इसको और इसको कंबाइन करके लिख देंगे, इसको और इसको कंबाइन करके लिख देंगे, एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिसमें हम ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। तो एल एच एस को ऐसे ही उतार लो, ए डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बाई फोर क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई फोर ए बी स्क्वायर। कैसे आया ये, मैंने इस वाले टर्म से और इस वाले टर्म से ए बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे वन बचा और यहाँ पे वन बाई फोर है ना। सिमिलरली ये वन प्लस वन बाई फोर बी सी स्क्वायर आ जाएगा, एग्री करते हैं ना। आगे ए डी स्क्वायर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, सॉरी ए डी कितना दिया हुआ है, पाँच सेंटीमीटर, तो ये पाँच का स्क्वायर। इसी तरह ई सी दिया हुआ है, ई सी टू रूट फाइव है, टू रूट फाइव इसका स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, फोर वन जा फोर फाइव अपॉन फोर, यहाँ पे भी 5 अपॉन 4 आएगा, तो मैं 5 अपॉन 4 को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ऐसा एक्सप्रेशन अपने पास आ गया। अब यहाँ पे देखो, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 2 रूट 5 के स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 के स्क्वायर 5, तो 4 इंटू 5 20, 5 बाई 4। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। ये कैसे आया, समीकरण एक से, समीकरण एक का हमने यूज किया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए सी स्क्वायर रख दिया, सिंपल। ओके, 25 में 20 जुड़ जाएगा, 45 आ जाएगा। इस 5 बटे 4 को हमें एल एच एस में लाने के लिए 4 बटे 5 का गुणा कर देना पड़ेगा, है ना। जब हम लोग 4 बटे 5 का गुणा करेंगे तो इधर ऐसे 4 बटे 5 हो जाएगा, और आर एच एस में 4 बटे 5 का गुणा होगा, चलो एक स्टेप और कर देता हूँ, 5 बटे 4 से और ए सी स्क्वायर। हमने ये क्या किया, 4 बटे 5 से गुणा किया। ओके, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 9 सा 45, 9 4 सा 36, ओके बराबर ए सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर अगर 36 है तो ए सी कितना आएगा, 6 आंसर सेंटीमीटर, है ना। सिंपल था ना एकदम, आपको बस क्या करना है, इन तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तीन इक्वेशंस मिलेंगे, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को जोड़ के हमें ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर इस इक्वेशन में ए डी दिया हुआ है, ई सी दिया हुआ है, रख दिया, और आर एच एस में एक बार और पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो ई सी आ गया, है ना, फिर ई सी की वैल्यू आराम से निकल आएगी। ओके, प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन में आसान है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। ओके, क्वेश्चन नंबर टू, इसमें क्षेत्रफल की बात करी गई है, और ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे कि क्यू पी आर एंगल 90 डिग्री है, क्यू पी आर ये वाला कोण 90 अंश है, इसका मतलब त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। आगे क्यू आर 26 सेंटीमीटर है, पी एम 6 सेंटीमीटर है, और एम आर 8 सेंटीमीटर है, और ट्राइंगल पी एम आर एंगल पी एम आर 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब पी एम आर भी एक समकोण त्रिभुज है। तो अपने पास दो समकोण त्रिभुज हैं, कैसे बने हुए हैं, एक समकोण त्रिभुज बाहर है, उसके अंदर दूसरा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, हमें पी क्यू आर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, आधार क्या है इसका, बेस पी क्यू है ना, क्योंकि एंगल पी 90 डिग्री है, तो एंगल पी के सामने वाली भुजा को हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ओके, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गई, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू एंड मल्टीप्लाइड बाई पी आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं। और अब हम लोगों को पी क्यू और पी आर फाइंड करने हैं, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग को हेल्प लेनी है पी एम आर ट्राइंगल की। क्यों, क्योंकि पी एम आर ट्राइंगल में दो साइड्स पता है हमको, 6 सेंटीमीटर पता है इसका आधार,
8 सेंटीमीटर पता है इसका लंब, हमें कर्ण निकालनी है तो पी आर पता चल जाएगा। ओके, जैसे ही पी आर पता चल जाएगा हम फिर वापस से बड़े ट्राइंगल में आ जाएंगे और पी क्यू पता कर लेंगे, है ना। फॉर्मूला सिंपल है, अगर आप लोग चाहें तो इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, हम लोग कंसिडर करते हैं त्रिभुज पी एम आर को, त्रिभुज पी एम आर में, क्योंकि यह एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पी आर स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। पी एम की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। एम आर की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 100। तो इससे हमें पता चलेगा कि पी आर की वैल्यू क्या आई? 10। ओके, जैसे ही हमें पी आर 10 पता चल गया तब हम लोग वापस से बड़े वाले ट्रायंगल में स्विच कर जाएंगे। पुनः त्रिभुज पी क्यू आर में हमें इसमें कर्ण पता है 26 सेंटीमीटर, हमें इस पर लंब पता है, इसको चाहे लंब बोलो चाहे आधार बोलो बात एक ही है, 10 सेंटीमीटर। हमें पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ओके, 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, 26 का स्क्वायर होता है कितना होता है निकालते हैं, चलो मुझे याद नहीं, 6 6 36 कैरी 3, 6 2 12 एंड 3 15 और 26 2 52, तो 6 5 2 7 5 1 6 6 7 6 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 100। तो 6 7 6 में से जब 100 माइनस करोगे तो 5 7 6 बचेगा। सो इससे पता चलेगा पी क्यू स्क्वायर बराबर 5 7 6 है। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5 7 6, और ये आई गेस स्क्वायर होता है 24 का। यस, 24 का आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 5 7 6 24 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब अपनी पी क्यू साइड जो आ गई वो 24 सेंटीमीटर आ गई। अब हम लोग अगर वापस से चलें इक्वेशन नंबर 1 में तो अपने को एरिया पता चल जाना चाहिए, है ना। तो समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू, पी क्यू कितना है? 24, मल्टीप्लाइड बाई पी आर, पी आर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 12 आया, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आ गया आंसर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंपल था ना? ओके, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो है जो अपना 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो त्रिभुज चैप्टर के हिसाब से अपनी पाइथागोरस थ्योरम वगैरह का अप्लाई करके इसको सॉल्व करें। दूसरा है एक शॉर्टकट, एक सिंपल शॉर्टकट, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन MCQ में आ जाए, बहुविकल्पी में आ जाए, तो आप उस शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताता हूँ। ओके, सॉल्यूशन, एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण बनाने वाली भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC के अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, है ना, इन सेंटर, इन सेंटर पर एक सर्किल बनाया गया है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें पता है क्या क्या इसमें, एक समकोण त्रिभुज ABC है, AB और BC यही दो भुजाएं हैं ना जिनके बीच में समकोण त्रिभुज, समकोण एंगल बन रहा है। तो AB की वैल्यू मान लो 6 सेंटीमीटर है, किसी एक की भी मान सकते हैं, हम इसको भी 6 मान सकते हैं, तो ऊपर वाले को 8 मानना पड़ेगा। ओके, इसके अंदर हम लोगों ने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, मैं ट्राई करता हूँ सही से ड्रॉ करने की, कुछ ऐसा हम लोगों ने ट्राइंगल करो सर्किल बनाया हुआ है। ओके, हमें इस सर्किल की रेडियस पता करनी है, त्रिज्या क्या होगी इस वृत्त की पता करनी है। ओके, चलो जहां ये सर्किल इस भुजा को टच कर रहा है उसको बिंदु D नाम दे दो हमें, और इसका केंद्र मान लो O है। ओके, अब इस केंद्र से हर एक भुजा पर इस तरह लंब डालो, ऐसे रहेगा। ओके, ऐसा कुछ हमारे पास चित्र है, इसमें हमें OD पता करनी है, है ना, ये जो OD त्रिज्या है सर्कल की इसको पता करनी है।
तो हम लोग लिखते हैं माना व्रत का केंद्र ओ है तथा त्रिज्या बराबर एक सेंटीमीटर। हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी और ये भी एक्स होगी। ओके, अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो, ये टोटल 8 सेंटीमीटर है। अगर ये ऊपर वाली एक्स है तो ये नीचे वाली भी एक्स होगी, है ना। अगर ये वाली एक्स है तो ये वाली भी एक्स होगी। टोटल 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग अगर बी से लेके यहाँ तक की दूरी को एक्स मान रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? और इसको भी नाम देते थे, इसको ई नाम दे दो, इसको एफ नाम दे दो। तो ई सी डिस्टेंस कितनी होगी? 8 में से एक्स माइनस करने पर, है ना। तो ई सी डिस्टेंस ये हो जाएगी 8 माइनस एक्स। इसी तरह ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए एफ। ए एफ डिस्टेंस 6 में से एक्स माइनस करने पे आएगी, है ना। 6 माइनस एक्स, ये ए एफ तक की दूरी आ गई। ओके, अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का मेन रोल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस विल इम्प्लाई ए एफ बराबर क्या आ जाएगा? 6 माइनस एक्स एंड ई सी बराबर 8 माइनस एक्स, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये वृत्त है, रेखा ये जो ए सी है इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, है ना। और ये जो रेखा बी सी है ये भी इस वृत्त पर स्पर्श रेखा है, ए बी रेखा भी इस वृत्त को टच करके जा रही है, मतलब स्पर्श रेखा है। तो अगर हम किसी वृत्त के दो बिंदुओं पर एक बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएँ खींचते हैं तो जो लंबाई इस सी ई की होगी वही लंबाई इस सी डी की होगी, समझ रहे हो ना। इस बिंदु से जितनी दूरी यहाँ पर होगी इस स्पर्श रेखा की, उतनी ही लंबाई इस ई डी रेखा सी डी रेखा की होगी, है ना। तो चूँकि ई सी, इसको सही से लिखते हैं, ई सी कॉमा डी सी वृत्त की एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं, अतः जितनी वैल्यू होगी ईसी की उतनी वैल्यू ही डीसी की होगी, है ना। तो ये भी हो जाएगा 8 माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि 8 माइनस एक्स अगर ये है तो ये भी 8 माइनस एक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह सेम चीज हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ए बिंदु के लिए। ए एफ रेखा की जो लंबाई होगी वही ए डी की लंबाई होगी, है ना। ए एफ बराबर अगर 6 माइनस एक्स है तो ए डी कितना होगा? 6 माइनस एक्स, है ना। ए एफ बराबर ए डी बराबर 6 माइनस एक्स, इतना आ गया अपने पास। अब देखो, हमें 8 पता है नीचे वाली भुजा, 6 पता है ये लंब, हमें ए सी अगर पता चल गया तो ए सी को हम लोग लिखेंगे किस टर्म में? एक सेकेंड, ये है 8 माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक और ये है 6 माइनस एक्स यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो हम लोग पहले ए सी फाइंड करते हैं कौन सी थ्योरम अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर देखो, कर्ण का स्क्वायर दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब अपना ए बी है, प्लस आधार का स्क्वायर, आधार अपना बी सी है। ए बी की वैल्यू 6 है, बी सी की वैल्यू 8 है, तो यह आ जाएगा 100। तो ए सी यहाँ से आ गया 10। ए सी पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 10 आ गई। अब आप लोग ध्यान से देखो, इस 10 को हम लोगों ने दो भागों में तोड़ा है ना, ए डी और डी सी। तो ए डी की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, डी सी की वैल्यू 8 माइनस एक्स है। अगर हम ए डी और डी सी को जोड़ दें तो 10 आना चाहिए, है ना। ओके, अतः ए डी प्लस डी सी बराबर 10, है ना, ये आना चाहिए। अब ए डी की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, रख दो, प्लस डी सी की वैल्यू 8 माइनस एक्स है, इसको भी रख दो माइनस एक्स,
बराबर 10। सॉल्व करते हैं, 6 में 8 जुड़ेगा 14, माइनस एक्स मिला के माइनस 2x हो जाएगा बराबर 10। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें 2x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को उधर ले जाओ, 10 को इधर ले जाओ, तो 4 बराबर 2x हो जाएगा, है ना। 14 में से 10 चला जाएगा, 4 आ जाएगा 2x, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 4/2 बराबर 2। तो त्रिज्या क्या आ गई वृत्त की, 2 सेंटीमीटर। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस था, है ना। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ा, हमें इस त्रिभुज की एक त्रिज्या मानना पड़ा। हमने मान ला x है इस त्रिभुज की त्रिज्या, फिर इस x का यूज़ करके हम लोगों ने हर एक भुजा को दो भागों में बांटा, है ना। हमने BC को BE और EC में तोड़ा, हमने AC को AD और DC में तोड़ा। फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन गया है, बट अगर आप लोगों ने लेक्चर शुरू से देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी स्टेप में मैंने क्या किया है। AB बन गया अपना AF प्लस FB। अब चूंकि किसी बिंदु से किसी सर्कल पर खींची गई स्पर्श रेखा, इसको बोलते हैं टेंजेंट, बराबर होती हैं, तो AF बराबर होगा AD के, तो ये भी 6-x, CE बराबर होगा ED के, ये भी 8-x। अब AC हम लोगों ने फाइंड करी पाइथागोरस थ्योरम से, 10 सेंटीमीटर आई है ना। ओके, तो यहाँ से 6-x 8-x का जो योग होगा वो 10 के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर हमें 2 मिल गया। अब आपको मैं शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसका, शॉर्टकट मेथड। अगर आपको कहीं भी समकोण त्रिभुज मिल जाए जिसमें इन सर्कल की बात की गई हो, मतलब कि अंतर्गत इसके वृत्त की बात की गई हो, और हमें लंब पता हो, आधार पता हो और कर्ण पता हो, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, रेडियस बराबर होता है ए प्लस बी माइनस सी बटे 2, जहां पे ए है आधार, बी है लंब, सी है कर्ण, और आर क्या है, त्रिज्या। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करके आराम से आप निकाल सकते हैं। देखो यहां से आर क्या आ जाएगा, ए लंब, लंब कितना है अपना 6 सेंटीमीटर, बी आधार 8 सेंटीमीटर, कर्ण 10 सेंटीमीटर बटे 2, 8 से 14, 14 में से 10 गए 4/2, तो आर बराबर 2 है ना। इजी, कितनी आसानी से आएगा, ये सब झंझट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आप लोग इसको 4 नंबर के क्वेश्चन में नहीं लिख सकते, इसको आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपका क्वेश्चन MCQ हो या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। कुछ नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, सिर्फ आपको लंब लंब चाहे इसको मानो चाहे इसको, लंब और आधार दिया हुआ है अपने को, ये इन तीनों भुजाओं को पता लगाना है क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपकी कैलकुलेशन स्पीड की टेस्ट है, और आप लोग कितनी जल्दी जल्दी किसी क्वेश्चन को सोच सकते हैं, कर सकते हैं, उसका टेस्ट है। चलो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, संलग्न चित्र में एक्स वाई और एच पता करना है। चलो, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं गिवन है अपने को, हाँ ए बी बराबर 20 दिया हुआ है, ए सी बराबर 21 दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखो, अगर ए बी ए सी इस त्रिभुज को देखें तो एंगल ए 90 डिग्री है, तो मतलब बी ए सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का आधार 20 है, लंब 21 है, और कर्ण कितना होगा, एक्स प्लस वाई, है ना। तो त्रिभुज बी ए सी, चूंकि त्रिभुज बी ए सी समकोण है, तो इससे क्या पता चलेगा, बी सी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, है ना। BC की वैल्यू है x प्लस वाई, AB की वैल्यू है 20, AC की वैल्यू है 21, तो ये x प्लस वाई ऐसे ही रखो, कोई सीन नहीं है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, स्क्वायर किस नंबर का क्या है ये आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 400 में 441 जोड़ोगे तो 841, है ना, 841 आएगा, 841 स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, 29, क्योंकि 841 जो है स्क्वायर रूट, अगर 841 का स्क्वायर रूट करोगे तो 29 आएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं कैलकुलेटर में चाहे खुद से। तो हमें एक्स प्लस वाई बराबर 29 आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। ओके, हम लोगों ने बड़े वाले त्रिभुज में लगाई अपनी पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, लिखना ज़रूरी है। ओके, हम
हमें x प्लस वाई बराबर 29 मिल गया। अब अपने पास दो समकोण त्रिभुज और हैं, कौन कौन से, ए डी बी एक है और ए डी सी एक है ना। तो अगर हम लोग ए डी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो h और x में रिलेशन मिल जाएगा, इसी तरह ए डी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो h और y में रिलेशन मिल जाएगा। ओके करते हैं, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में देखो कर्ण क्या है 20, लंबा है h, आधार है x, है ना। तो 20 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 400, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज ए डी सी में ये भी एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर डायरेक्ट लिख देना चाहिए था। ए डी अपना एच है, डी सी वाई है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो यहाँ से मिलेगा हमें 441, समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 2 और समीकरण 3 में से देखो क्या कर सकते हैं, h को गायब कर सकते हैं ना, कैसे, दोनों समीकरणों को घटाकर। तो समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दिया, चलो 3 को पहले ऊपर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 441, और नीचे क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 400, घटा दो, एच स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 41। इसको समीकरण नंबर 4 नाम दे दो, अभी नहीं एक से हमें वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 41 मिल गया है ना। तो देखो यहाँ पे हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बराबर 29, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तौर पे लिख दो 41, है ना। आपको पता है मैंने कैसे किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब वाई प्लस एक्स बराबर 29 है, तो 29 वाई माइनस एक्स बराबर 41, इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड कम पड़ जाएगा लग रहा है। सो दिस विल इम्प्लाई वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 41 था क्या सिर्फ, ओके 41 अपॉन 29, ये समीकरण नंबर 4 है। समीकरण 1 ये है, समीकरण 4 ये है। देखो दो समीकरण मिल गए, दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं और एक वेरिएबल में है, तो हम इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। x प्लस वाई बराबर 29, वाई माइनस एक्स बराबर 41, यहाँ पे x निगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव है, अगर दोनों को जोड़ दें तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 4 को आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे तो मैं अभी इसको मिटा दूंगा, LHS वाला जोड़ने पर, 1 और 4 को जोड़ो तो क्या होगा, x एलिमिनेट हो गया, y 2 बन जाएंगे, 2y बराबर 41 29 प्लस 41 डिवाइडेड बाई 29। जब 29 में 29 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 29 आएगा, 841 में 41 और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 882 डिवाइडेड बाई 29। तो y बराबर क्या आ गया, 2 इधर पक्षांतर होगा तो इससे डिवाइड करेगा, तो 2 4 8 2 4 8 2 1 2 29, y की वैल्यू पता चल गई, 441 डिवाइडेड बाई 29। और इधर करते हैं, चलो कोई सीन नहीं है, हो जाएगा, y बराबर 441 डिवाइडेड बाई 29 हम लोग इसी क्वेश्चन में रख देते हैं, इसी में रख दो, ये वाला आसान पड़ेगा। समीकरण 4 में y का मान रखने पर,
वाई बराबर क्या रहेगा, 441 डिवाइडेड बाई 29 माइनस एक्स इज इक्वल टू 41 डिवाइडेड बाई 29। हमें x चाहिए, x को उधर ले जाओ, 41 डिवाइडेड 29 को इधर ले आओ, तो x बराबर हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 41 डिवाइडेड बाई 29। हर दोनों का सेम है तो अंश घट जाएंगे, 421 में से 41 गया 400/29, ये वैल्यू आ गई x की। हमें x पता चल गया, हमें y पता चल गया, अब हमें h निकालना है। h कहाँ से आएगा, चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो चाहे इस इक्वेशन से निकाल लो, है ना, हम लोग अगर x की वैल्यू रख दें तो h आराम से निकाल आएगा। तो यही इक्वेशन लेते हैं समीकरण दो से, x की वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाई 29, इसका स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 400। तो h स्क्वायर बराबर जाएगा 400 माइनस 400 का स्क्वायर होता है 16, 40, है ना, 00 का 40, 4 का स्क्वायर 16, डिवाइडेड बाई 29 का स्क्वायर होगा 841। अब हमें 841 में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 00 इधर ऐसे ही लग गया, 4 1 4 4 4 16 कैरी 1, 4 8 32 और 1 33 माइनस 16, 40 घटाओ, 0 में से 0 गया 0, 0, 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गए 6, 13 में से 6 गए 7, बचा 2 में से 1 गए 1, 17, 6, 4, 00/841। तो यहाँ से एच क्या आएगा, स्क्वायर रूट इस पूरे का, और आप लोग चेक कर लीजिए ये जो स्क्वायर रूट है ये 420 का है, और 841 29, ये आ गया एच का वैल्यू। 420 × 420 करो, इतना ही आएगा, गारंटी है, अपना आंसर आ गया, है ना, मैं एक्स पता चल गया, वाई पता चल गया, एच पता चल गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा थे, आप लोग को 3-4 जगह पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ी, उसके बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, रैखिक समीकरण जो दो चरों में था उसका इस्तेमाल करना पड़ा, क्वेश्चन हो गया। अब इस यूनिट का समापन यहीं पे होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्राइंगल्स का रिवीजन करवा दूंगा, ट्राइंगल्स रिलेटेड कुछ फॉर्मूले जो हमने पढ़े इस लेक्चर, इस पूरी यूनिट में, वो और कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम वगैरह ये सब बता देंगे, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।